to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. हुकूमत बागी मेंबर्स खिलाफ़ एक्शन ए मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग खिलाफ़ ऑर्डिनेंस आने जो फैसलो करे वरतो। बनीगाला में वजीर आदम की सदारत में सियासी कमेटी के इजलास दौरान अहम फैसला। आर्टिकल 63 ए की तशरीह लाए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने जो फैसलो। बाबर आवान ए आमिर कियानी के रेफरेंस तोड़े मेंबर्स खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जिम्मेवारी दिनी वही। इजलास में वजीर आदम इमरान खान अपोजिशन वा जो भी पैसों हलन संदन मुकाबलो कंदुस अड़ा कदम खड़ासी जो मुस्तकबिल में कंखें भी हॉर्स ट्रेडिंग की हिम्मत न थी। 27 मार्च वाले जलसे में कौम तब्दीली से गड नजर इंदी। शेख रशीद वजीर आदम से मुलाकात दौरान सिंध में गवर्नर राज की समरी पेश करे छी। पीटीआई के बागी मेंबर्स के पार्टी में वापस अचण की अपील। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद अपोजिशन की मेहरबानी है जो 9 खां 12 बागिन जा चेहरा दिखारे छा। विकामल मू वापस अचन खेन कुछ न चयो वेंदो। जमीर फरोश पंजे तकन ते भी न वही सकंदा। हालतुन में कुछ दिन का तलखी हुई उ बेहतरी ढां वही रही है। ही मानू -1 जो मुतालबो कन था पर ये कदें भी नींद। इन्होंने सिंध हाउस के स्टॉक एक्सचेंज बनाए छो है। सिंध हाउस से हलान जो को भी इरादो ना है। एक पार्टी जो मेंबर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हुए पैसन एवज वफादारी तब्दील करे तो उनके वोट की कड़ी कानूनी हैसियत होंगी। वजीर आदम की सदारत में सियासी कमेटी के इजलास बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी है तो आर्टिकल 63 ए की तशरीह ए राय वाले सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया वो मुआशी मुफादन के लिए वफादारी तब्दील कदड़ मेंबर ताहयात नाअहल होंद या बीहर चूंड विढ़ी सो। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी सिंध में गवर्नर राज लगाने वाली तजवीज़ की मुखालिफत कंदे हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत खत्म करने के लिए मीसा के जमहूरियत आंदो वो हो। सिंध हाउस में जो कुछ थे पो वो मीसा के जमहूरियत के खिलाफ है। घर के डी में ही घर के बाह लगी वही। हर मेंबर पैं जमीर तहत फैसलो कर पाबंद है। पीटीआई जा बागी असेंबली मेंबर्स सिंध हाउस में अणजातल हंध मुंतकिल। जरियन जो चवण है वजीर आदम 2 ॾींहं अग सिविलियन हसास इदारन के एमएनएज सिंध हाउस की सख्त निगरानी जो हुक्म दिनों हो। सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे हुकूमत के मेंबर्स की अणजातल हंध मुंतकिल का आगाह कर छो। पतो लगाया पे वे तो मेंबर्स के किथे रखे वो है। हुकूमत जो जहांगीर तरीन ग्रुप के परचाइण जो आखिरी कोशिशों भी नाकाम। जहांगीर तरीन ग्रुप अगते कें भी हुकूमती मानू सा न मिलने जो फैसलो करे वरतो। गवर्नर इमरान इस्माइल जहांगीर तरीन सा फोन ते राबतो करण में नाकाम। जरियन जो चवण है इमरान इस्माइल तरीन के परचाइण के लिए फोन किया हुआ। बेएतमादी रिथ के आइनी अमल में पुलिस इंतजामिया धुर थी तो यह आइन की भंजकड़ी होंगी। आइन की भंजकड़ी कदड़ ए संदन सहूलतकार के सजा लाए तैयार रहो पवो। टिन अगूणन वजीर आजम वफाकी घरू सेक्रेटरी इस्लामाबाद इंतजामिया पुलिस के खबरदार कर छो। यूसुफ रजा गिलानी राजा परवेज अशरफ ए शाहिद खाखान अब्बासी गडल बयान में चाहिए तो सिंध हाउस में अज रात पुलिस गर्दी कई वही तो नतीजन जहा जिम्मेवार वजीर आजम ए घरू वजीर हूँ। घरू सेक्रेटरी पुलिस ए इस्लामाबाद इंतजामिया के खबरदार क्यों था कें भी सियासी अमल जो हिस्सों न बणजन। मेंबर्स खिलाफ पुलिस गर्दी के पार्लियामेंट से हमलो समझो वो न छींदुस जड़ा बयान दींदड़ के सब छे पाया वन आइन जमहूरियत ए पार्लियामेंट से हमलो कदड़न के कटहड़े में आंदो वो।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के नोटिस खिलाफ वजीर आजम की दरख्वास्त रद्द कर छी। बुधनी दौरान जस्टिस आमिर फारूक चयो तो वजीर आजम के कमीशन अग्या पेश थियण घुर्जे। हा एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नोटिस जारी किया है, हर को पंजे तौर तय कह तो नोटिस जारी कर इख्तियार ना है तो कम कि हल्दों तवें पेश थी नेक नियति जाहिर करण घुर्जे। हा वजीर आजम के वकील तो कमीशन के इमरान खान खिलाफ कार्रवाई का रोको वे अदालत तवो कंडक्ट डी स्टे नो दे। इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल के नोटिस जारी। माजरत सा पर हुकूमत भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाए रखी है। पार्लियामेंट में थन्द कम भी ऑर्डिनेंस जरिए थी रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा इलेक्शन कमीशन के नोटिस खिलाफ दरख्वास्त बुधनी दौरान रिमार्क्स। वजीर आजम के वकील तो कमीशन अगु ही ऑर्डिनेंस खिलाफ ऑर्डर जारी कर चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक वकील का पुछो तो कम ऑर्डिनेंस जरिए थियण जो हो। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में झुगिन के खौफनाक बाह लगने सबब चैन भेण भाईर सूधो पोथल अंग वधी पंज थी वो। पोथिन में बारह साल की साइमा, यारह वरन जो फरहान, नव साल जो कामरान और अठ वरन की तैयबा शामिल। पुलिस जो चवण है तो रात देर से शॉर्ट सर्किट सबब झुगिन के बाह लगी। फायर ब्रिगेड गाड़ियन बाह से जब्तो आंदो। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख वाक्य से अफसोस जाहिर करते है तो गैर कानूनी कुंडा सिस्टम के कर वाक्य पेश आयो के इलेक्ट्रिक के जिम्मेवार अमलदार खिलाफ कार्रवाई कई वेंदी। सिंध के मेडिकल इदार में दाखिला बाबत हुकूमती नोटिफिकेशन और सिंध काबीन जहाँ फैसला कल अदम करार। सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल इदार में दाखिला से तकरार बाबत केस के बुधनी दौरान अटॉर्नी जनरल हतमी दलील दिना। अदालत धुरन जहाँ दलील बुधन बाद नोटिफिकेशन के कल अदम करार दई छो। सिंध काबीना मेडिकल इदार में दाखिला लाए 50 सैकड़ों मार्क्स खड़ शागिदन के अहल करार दिनों हो। पीएमसी फैसले के सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया हो। टंडो आदम में हियाउ डारींदड़ वाक्यो जवाबदार बिन जालुन एक मासूम धीव के कत्ल कर छो। गोठ मीर मोहम्मद रिंद में जवाबदार रियाज रिंद मामूली गाल पंजे ही घर भातिन ते बंदूक जा फायर करे फरार। माजी वैलन में जवाबदार जो ब जालू बिल्किस हुसना ए टिन वरन की धीव कलसुम शामिल। इतला ते पुलिस वाके वारे हंध रवानी। वारसन जो चवण है तो जवाबदार नशो वापराइंदो आहे जे बेगुनाह टे घर भाती कतल कर छड़ा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह की शागिर्दियाणी परवीन डिंद के हिसाण के केस में जवाबदार गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत की जमानत की दरख्वास्त रद्द। नवाबशाह की अदालत में फैसलो बुधने के लिए परवीन डिंद और जवाबदार धुर पेश। जवाबदार गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत जमानत रद्द थी अदालती अहाते में फरार। पुलिस खेस गिरफ्तार कर बदरा तमाशो ऐसी रही। अदालत डॉक्टर फरीदा वगण आतिका और फरहीन जो जमानतू मंजूर कर वरतियों। परवीन डिंद है तो पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार कर बदरा उनको साथ दई रही है। गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत के फौरी गिरफ्तार करे इंसाफ जो मुतालबो।